प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कच्चे मकानों व झोपड़ों में रहने वाले लोगों के लिए पक्का आवास मिलने का प्रावधान है। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के कनेला खुर्द गांव में रामकिशन सहित 12 परिवारों को पक्का आवास न मिलने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं विनय कुमार और यह मेरा समुदाय। आपकी समस्या क्या है? समस्या क्या, आवास की समस्या है। बरसात होता है तो सोचना पड़ता है कि रात कितनी लंबी हो गई है, दिन कितना लंबा होगा, कटता नहीं है। सोचते रह जाते हैं कि मतलब बरसात कब बंद हो जाए। आवास एक मिल जाता है तो हम लोग आराम से अपने मकान में रह सकते हैं। लेकिन तीनों प्रधानों ने मिलकर यही जवाब दिया बारी बारी से कि आपका नाम बीपीएल सूची में नहीं है। तो बीपीएल सूची में ना होने से हम लोग की जो बार एकदम बंद हो जाती है, क्या करें हम। मशक्कत करनी पड़ती है कमाई के लिए, खर्चा ही चल पाता बड़े मुश्किल से। उसके बाद पढ़ाई का खर्चा हुआ, फिर यही में सारा खर्चा सीमित रह जाता है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। बीमारी पड़ गई तो कर्जा लेना पड़ता है। समस्या यह है भैया, घर द्वार नहीं बना हुआ, गरीब में नहीं है, 10 रुपये की मजूरी करी थे, खाई थे, ना ही आँट पावत, हम परेशान रही थे। हमारे राज्य में जब से हम आ जाए लगन तब से 4 प्रधान बहन भैया, लेकिन क्यों सुनवाई ना आई गई। 1000 दाई मीटिंग भर, मीटिंग में नाव लिख लिख ले गई, कहीं जमा किए है, अबकी आई जाए अबकी आई जाए, लेकिन सबका रास्ता निहारत निहारत इतना उम्र बीत गए, क्या होना है ध्यान कहीं। लेकिन यह कहा थी हमारे लोग जब कही थे, कहा थी तुहार सूची में नाव ना आई बा, गाँव और मनाई है, आँख दीदा पाए नहीं, जौन सेक्रेटरी प्रधान और जन कहीं अधिकारी लोग वह मान जाए थे, वही निराश हो गया भैया संतो कह के बैठी थे। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि बहादुरपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 9898023324 पर कॉल कर दबाव बनाएं, जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। मैं विनय कुमार, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।